माघ मेला 2023 प्रयागराज। अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से टेंट पंडाल लग रहे हैं। ये वही शास्त्री ब्रिज है जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा माघ मेला का देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं कि टेंट पंडाल अभी लगना शुरू ही हुए हैं, जिस टाइम यहाँ पे पूरा टेंट पंडाल लग जाते हैं और पूरी लाइट लग जाती हैं, आप देख रहे हैं बिजली के खंभे भी लग गए हैं, तो जिस टाइम लग जाता है पूरा, इतना खूबसूरत नज़ारा शायद आपको कहीं प्रयागराज से देखने को मिलेगा। माघ मेले का सबसे अति सुंदर व्यू अगर आपको लेना है तो वो आप शास्त्री ब्रिज से ही ले सकते हैं। दोनों तरफ दारागंज तरफ का ये व्यू है आप जो देख रहे हैं, और उधर भी आपका जो है संगम तरफ भी काफ़ी अच्छा व्यू है। देख रहे हैं कि अभी पुल भी इसको बनाया जा रहा है, टेम्परेरी पुल है, क्योंकि आई होप जो वाला पुराना पुल है वो काफ़ी वीक हो चुका है, तो उसके लिए नया एक रेल ट्रैक बनाया जा रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम चालू है। तो माघ मेला 2023 में आप सब ज़रूर आइएगा, और हम प्रयागराज वालों की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन रहेगा, क्योंकि भाई माघ मेला में आप आइए और यहाँ स्नान करिए, एंजॉय करिए। एक बार मैं तो कहूँगा, अगर आप आ रहे हैं माघ मेला ना, आप उस तरफ से उस किनारे आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, एकदम अति सुंदर होता है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे, ये दो पीपा पुल जाएंगे, पीपा पुल जो है कि तैयार हो चुका है, बन के वो नौलखा मंदिर पुल दिख रहा है, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना, गंगा नदी पे बना हुआ ये पुल है, शास्त्री ब्रिज जो है गंगा नदी पे बना हुआ है, और जो हमारा यमुना ब्रिज है वो यमुना नदी पे बना हुआ है। पूरा जो ट्रेन से भर जाना था, मैं वो वीडियो आप लोग के लिए जरूर बनाऊंगा, जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो, और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें बनाए रखिएगा। सपोर्ट थोड़ा आज कल कम मिल रहा है गाइस, तो सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ आपसे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।